हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुलक, यानी कि पॉलीमर। वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चैप्टर को अपलोड करने के लिए, तो फाइनली ये चैप्टर आपके सामने है, बहुलक। इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे 100 MCQ के साथ। 100+ भी जा सकता है, ठीक है, 100+ भी जा सकता है। जब तक ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए, सवाल कितना भी जा सकता है। तो जैसा आप NCERT सीरीज में देखा करते थे कि हम लोग MCQ के माध्यम से पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया करते थे, वैसे ही यहाँ पर होने वाला है। MCQ के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को, बहुलक चैप्टर को, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब आप इन सारे ही सवालों को करते हो, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो ये मानकर चलना कि इस चैप्टर से अगर सवाल आया आपके एग्जाम में, तो सवाल आपसे नहीं छूटेगा। 99% चांस है कि इस चैप्टर से सवाल आया तो आप बना दोगे, क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर को ना बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट में ना मैं आपको मात्र 30 सवाल करवाऊंगा। कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं और उसके बाद 30 सवाल हैं। 30 सवाल इसलिए क्योंकि आप क्या करेंगे इस पार्ट 1 को देखने के बाद, इसमें मैं आपको सारे बहुलक का नाम बताऊंगा और उनके टाइप्स बताऊंगा कि कौन सा बहुलक कौन से टाइप का है। आपका काम है उन सारे बहुलक और उनके जो टाइप्स हैं याद करना। तो जब आप उन सारे बहुलक का नाम और उनके टाइप्स याद कर लोगे ना, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना, तब आपको मजा आएगा। वैसे आपको मजा नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से सारा निकल जाएगा अगर आपने याद नहीं किया है तो। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको पॉलीमर का नाम ही नहीं याद होता है। जब तक आप पॉलीमर्स का नाम नहीं याद रखोगे, तब तक इस चैप्टर में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 30 सवाल लिया है, ताकि पहले आप जो भी पॉलीमर्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उन सब का नाम याद करो, उनके टाइप्स याद करो, तब जाकर के पार्ट 2 और पार्ट 3 देखो, तब देखना कितना मजा आता है आपको। तो सारे पॉलीमर्स का नाम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जिसके बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने के, उन सारे का नाम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और वो सारे आप लोग याद कर लेना, तभी आपसे सवाल बनेगा एग्जाम में। लेकिन इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप इस पर देंगे बहुत सारे लाइक्स, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आपको बहुत सारे लाइक्स देने पड़ेंगे। आप मुझे लाइक्स दो, मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। निम्न में कौन एक रैखिक बहुलक है? सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, निम्न घनत्व पॉलीथीन है, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है। इनमें से कौन है जो कि एक लीनियर पॉलीमर है, यानी कि रैखिक बहुलक है? जल्दी से इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। अगर नहीं मालूम है तो आंसर ढूंढिए और तब जाकर के कीजिए। मैं इसका सही आंसर वीडियो के लास्ट में जाते जाते दे करके जाऊंगा। अब आते हैं आज के इस चैप्टर के पहले सवाल पे। बहुलक का अर्थ होता है, बहुलक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। ये जो पॉलीमर है, ये दो शब्द पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है। ये दो शब्द ग्रीक शब्द हैं, पॉलीमर, पॉली और मर, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। तो पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? मेनी पार्ट, मेनी पार्ट्स, या फिर बोल दो मेनी यूनिट्स। तो पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? मेनी पार्ट्स, या फिर बोल दो मेनी यूनिट्स, मतलब अनेक भाग। तो जो बहुलक होता है ये अनेक भागों से मिलकर के बना होता है, या फिर बोल दो बहुलक में क्या होते हैं? अनेक भाग होते हैं। ये जो अनेक भाग होते हैं ना, इसे कहा जाता है मोनोमर्स, इसे कहा जाता है मोनोमर्स। जैसे मान लो 100 भाग है, टोटल 100 भाग है, मतलब उसमें 100 मोनोमर्स हैं। अगर 100 भाग है तो 100 मोनोमर्स हैं, अगर 1000 भाग है तो 1000 मोनोमर्स हैं, ऐसे। तो मोनोमर्स से मिलकर के ही पॉलीमर बनता है। मोनोमर्स को हम लोग अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं एकलक। तो एकलक से मिलकर के बहुलक बनता है। अब जैसे मान लो कि 100 मोनोमर्स हैं, तो ये जो 100 मोनोमर्स है ना, ये या तो एक ही टाइप का होगा या फिर 2 टाइप्स के होंगे। या तो एक ही टाइप के होंगे सारे के सारे, या फिर 2 टाइप्स के होंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जिसमें केवल 1 टाइप का मोनोमर है या फिर 2 टाइप का मोनोमर है। तो मान लो कि सारे के सारे जो मोनोमर है वो एक ही टाइप के हैं, तो उस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हिंदी में बोलेंगे सम बहुलक, सम बहुलक। और मान लो कि 2 टाइप्स के हैं, तो
उसे बोलेंगे कोपोलीमर, ठीक है, उसे बोलेंगे कोपोलीमर, हिंदी में बोलेंगे सहबहुलक। ये समबहुलक, ये सहबहुलक। तो ये समझ में आया आपको कि जो बहुलक होता है उनमें अनेक भाग होते हैं, उन भागों को हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। अगर सारे के सारे मोनोमर्स एक ही टाइप के हैं तो उसे हम लोग होमोपोलीमर भी बोल सकते हैं, यानी कि समबहुलक बोल सकते हैं। अगर दो टाइप्स के हैं तो उसे हम कोपोलीमर बोलेंगे, सहबहुलक बोलेंगे। बहुलक यानी कि पोलीमर शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द पोली और मर से हुई है, ये ग्रीक शब्द है। बहुलक डैश उद्योग का मुख्य आधार नहीं है। देखिए, चार ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए बहुलक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। मतलब अगर बहुलक ना हो तो ये चारों उद्योग मर जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चार उद्योग कौन कौन से हैं, इनके नाम आप याद रखना। प्लास्टिक उद्योग, प्रत्यास्थ उद्योग इलास्टोमर्स, फाइबर्स एंड पेंट्स एंड वर्निशेज, ये चार ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए बहुलक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, खाद्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनके लिए बहुलक क्या है, बैकबोन है। बहुलक को परिभाषित किया जाता है, बहुलक का डेफिनेशन याद रखें आप। आपने देखा कि बहुलक में अनेक भाग होते हैं, ठीक है, अनेक भाग होते हैं। अगर अनेक भाग हैं तो डेफिनेटली बड़ा अणु है, ठीक ना, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो बी और डी नहीं होगा। और जब बड़ा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, तो आणविक द्रव्यमान भी अधिक होता है, सी हमारा आंसर। तो बहुलक क्या है, ये बड़ा अणु है जिनका आणविक द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान, इसका मतलब वही हुआ मॉलिक्यूलर मास अधिक होता है। पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है ये 10³ से लेकर के 10^7 इतना तक होता है, इस रेंज में होता है। डैश को वृद्ध अणु भी कहा जाता है, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जो कि पुनरावृत्त यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, संरचनात्मक इकाइयों के बड़े पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। तो ये हो जाएगा बहुलक। बहुलक में आपने क्या देखा, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। बहुलक में देखा आपने कि बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, यानी कि मोनोमर जो है वो बड़े पैमाने पर जुड़ते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि मोनोमर्स या तो एक ही टाइप के होंगे या फिर दो टाइप्स के होंगे। तो मान लो एक ही टाइप के हैं सारे के सारे, तो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जो मोनोमर होगा, एक मोनोमर, वही उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है और बना रहा है पॉलीमर। ठीक है, तो बी हमारा आंसर। देखिए, हर मैक्रोमोलिक्यूल को आप पॉलीमर नहीं बोलेंगे, हर मैक्रोमोलिक्यूल को आप पॉलीमर नहीं बोलेंगे, उसी मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर बोलेंगे जिसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। अगर वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो केवल मैक्रोमोलिक्यूल होगा, पॉलीमर नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो जो मोनोमर है, एक सिंगल मोनोमर, ठीक है, एक सिंगल मोनोमर जो है ये अपने आप में एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन हम इसको पॉलीमर थोड़ी ना बोलेंगे। जैसे कि इथीन, ये जो इथीन है ये अपने आप में एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये पॉलीमर थोड़ी ना है। हाँ, ऐसे अगर 100,000 एथीन आपस में जुड़ जाए तब हम उस पूरे संरचना को पॉलीमर बोल पाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ पॉलीमर भी बोल पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एक्राइलोनाइट्राइल, ये एक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक है, CC डबल बाउंड CN, इसमें साइनाइड होता है, ये एक्राइलोनाइट्राइल है। और यहाँ देखो N लिखा हुआ है, मतलब N नंबर है इस मॉलिक्यूल के, N के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जनरली बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर के बनता है पोली एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ देखो एक ही प्रकार के मोनोमर है, यह है एक्राइलोनाइट्राइल, यही बार बार रिपीट होते हैं, बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और बना यहाँ पर पोली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, बट इस वाले मैक्रोमोलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे। वे सरल और क्रियाशील अणु जो सहसंयोजक बंधों से जुड़ी होती है और बहुलक का निर्माण करती है, डैश कहलाती है। ये एकलक है यानी कि मोनोमर है, सरल है, क्रियाशील है और सहसंयोजक बंधों से जुड़ी होती है और बहुलक का निर्माण करती है। तो बहुलक का निर्माण करती है एकलक। बहुलक के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि एक्राइलोनाइट्राइल आपस में जुड़ते हैं और बनता है पोली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुलक बनने की, उसे बोलते हैं पोलीमराइजेशन यानी कि बहुलकन, पोलीमराइजेशन यानी कि बहुलकन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। पॉलीमर को ना चार आधारों पर बांटा गया है,
पॉलीमर को चार आधारों पर बांटा गया है। ये हमारा पहला आधार है, सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर। पॉलीमर को चार आधारों पर बांटा गया है, जिसमें पहला है सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर ये तीन टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, प्राकृतिक, अर्ध संश्लिष्ट एंड संश्लिष्ट। प्राकृतिक का मतलब सिंपल है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि आरएनए, डीएनए, सिल्क हो गया, ऊन हो गया, सिल्क यानी कि रेशम, ऊन यानी कि वूल, कपास यानी कि कॉटन, लेदर, एंजाइम एंड कुछ रबर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना आप याद रखो बहुत है। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन मनुष्यों के द्वारा इनमें थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है। पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें रासायनिक रूपांतरण किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेमी सिंथेटिक। इसमें ज़्यादातर भगवान का योगदान होता है, थोड़ा बहुत इंसान का योगदान होता है। तो जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, जिसे हम लोग रेयॉन भी बोलते हैं, रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट और वल्कनीकृत रबर यानी कि वल्कनाइज्ड रबर, जो ये प्राकृतिक रबर होता है ना, इसी को वल्कनाइज कर दिया जाता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं वल्कनीकृत रबर। ये आ जाएगा सेमी सिंथेटिक के अंदर। और यह सिंथेटिक जो पूरी तरह से मैन मेड है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है लैब में, तो ये पूरी तरह से इंसानों के द्वारा बनाया गया है। पॉलीथीन, टेफ्लोन, PAN, इसको आप पान याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो भी आपने देखा था एग्जांपल में, और इसी को हम लोग ऑर्लोन बोलते हैं, इसी को एक्रिलन बोलते हैं, नाइलोन 66, नाइलोन 6, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर हम बोलते हैं उस पॉलीमर को जिनमें एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है। तो जैसे कि टेरेलिन, इसी को हम लोग डेक्रोन भी बोलते हैं, नोवोलैक, बेकेलाइट, मेलामाइन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रिन, थायोकॉल, उसके बाद ग्लिप्टल, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, इसका है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और इसका है पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। ये सारे बहुलक का ना नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे बहुलक का आप नाम याद रखेंगे तभी आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। और जब आपको बहुलक का नाम याद होगा तो आप जो उसका मोनोमर यूनिट है वो भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। डैश पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं, तो जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वही पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं। निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, रेयॉन नहीं है। सेलुलोज एसीटेट, जिसे हम लोग रेयॉन भी बोलते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट किस प्रकार का बहुलक है, आपने देखा ये है सेमी सिंथेटिक बहुलक। निम्न में कौन एक संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक का उदाहरण नहीं है, यानी कौन इसमें सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, तो प्लास्टिक है जैसे कि पॉलीथीन, और जो सिंथेटिक फाइबर है संश्लेषित रेशे जैसे कि नाइलोन 66, उसके बाद संश्लेषित रबर यानी कि सिंथेटिक रबर जैसे कि ब्यूना एस, तो ABC ये सारे क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है, इनमें तो सिंथेटिक लगा ही हुआ है नाम में। पॉलीसेकेराइड जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है सेलुलोज। अब आ जाओ दूसरे क्लासिफिकेशन पे, ये जो है स्ट्रक्चर के आधार पर है, इससे पहले था सोर्स के आधार पर, अब है संरचना के आधार पर। यहाँ भी तीन प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर है, ब्रांच्ड है एंड क्रॉस लिंक्ड है, रैखिक है, शाखित है और तिर्यक बंद है। आपने पॉलीमर में क्या पढ़ा कि अनेक भाग होते हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, तो मान लो मोनोमर्स जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके लंबी चैन बनाते हैं, केवल लंबी चैन बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे केवल लंबी चैन बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे रैखिक है। और लंबी चैन के साथ मान लो कुछ ब्रांच भी निकल जाती है, कुछ साइड चैन भी निकल जाती है, जैसे कि यहाँ है, यहाँ है, तो हम उसे ब्रांच पॉलीमर बोल देंगे, शाखित पॉलीमर बोल देंगे। और अगर लंबी चैन आपस में कनेक्ट हो जाती है तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड बोल देंगे, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्जांपल्स, कि कौन से टाइप में कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो पॉलीथीन दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो ब्रांच होता है, और जो हाई डेंसिटी होता है वो लीनियर होता है। उसके बाद रैखिक में देखो PVC है,
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, टेफ्लोन है, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड हम उसे बोलते हैं, उस पॉलीमर को बोलते हैं जिसमें होता है एमाइड लिंकेज। केवल आपको नाम ध्यान रखना है, जिसमें होता है एमाइड लिंकेज उसे हम लोग पॉलीएमाइड बोलेंगे, जैसे कि नाइलॉन्स। पॉलीएस्टर मैंने आपसे कहा, जिसमें एस्टर लिंकेज होता है उसे हम पॉलिएस्टर बोलते हैं, जैसे कि टेरेलिन। नेचुरल रबर नोवोलैक। आप देखो क्या करना, सबसे पहले आप इसका नाम याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वल्केनाइज्ड रबर एंड ग्लिप्टल। तो सबसे पहले आप क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का नाम याद रखेंगे। बेकेलाइट बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, वल्केनाइज्ड रबर यानी कि वल्केनीकृत रबर, और ग्लिप्टल, ग्लिप्टल रेजिन या फिर सिंपली ग्लिप्टल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल दो या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्रांच्ड याद रखो, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इतना ध्यान रखो काफ़ी है। उसके बाद ये सारे हैं लीनियर पॉलीमर। निम्न में कौन शाखित बहुलक है, कौन ब्रांच्ड पॉलीमर है? उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये लीनियर है, ये नहीं होगा। अल्प घनत्व पॉलीथीन यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये ब्रांच्ड है, बी हमारा आंसर। नाइलोन ये लीनियर है, और पॉलीएस्टर देखो जो आपने अभी देखा ग्लिप्टल, ये भी पॉलीएस्टर है, ठीक है, ये भी पॉलीएस्टर है क्योंकि ग्लिप्टल में भी एस्टर लिंकेज होता है। तो जिस पॉलीमर में एस्टर लिंकेज है हम उसे पॉलीएस्टर बोल देंगे। तो पॉलीएस्टर के ही अंदर टेरेलिन आता है, टेरेलिन को हम लोग डैक्रोन भी बोलते हैं, और पॉलीएस्टर के ही अंदर ग्लिप्टल भी आता है। लेकिन ग्लिप्टल आपने देखा कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, जबकि टेरेलिन ये लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर है, ये भी नहीं होगा, बी हमारा आंसर। निम्न में कौन रैखिक बहुलक है, तो यहाँ देखो अल्प घनत्व पॉलीथीन फिर से आया, लो डेंसिटी पॉलीथीन ये ब्रांच्ड है, ये नहीं होगा। ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड होता है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजन को, ये भी नहीं होगा। स्टार्च भी ब्रांच्ड है, ये भी नहीं होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, ये रैखिक बहुलक है, तो ए हमारा आंसर। निम्न में कौन तिर्यक बंध है, क्रॉस लिंक्ड बहुलक है? तो क्रॉस लिंक्ड में बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, वल्केनाइज्ड रबर आपने देखा, और देखा ग्लिप्टल, इनमें से सभी। अब आ जाओ तीसरा आधार, ठीक है। तीसरे आधार पर जो पॉलीमर्स है उनको चार टाइप्स के अंदर बांटा गया है, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ये तीसरा आधार है क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, अंतराणविक बल के आधार पर। ये चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक, रेशे बहुलक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। तो इलास्टोमर के अंदर देखो क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे कमजोर होगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के ही ऑर्डर है कि इलास्टोमर में सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा थर्मोप्लास्टिक में, उससे ज़्यादा होगा फाइबर में, उससे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा थर्मोसेटिंग में। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं ना उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसीलिए इलास्टोमर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है यानी कि प्रत्यास्थ गुण होते हैं उनमें, उनको आप खींच सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, फिर छोड़ोगे पहले जैसा हो जाएगा, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये इलास्टोमर है। तो जो रबर होता है, ठीक है, जो रबर होता है वो इलास्टोमर होता है। तो सिंथेटिक रबर्स के अंदर देख लो, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, थायोकोल, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि सिंथेटिक रबर कौन है, तो देखना इसमें से कोई एग्जांपल आपको दिख जाएगा। नेचुरल रबर भी हमारा इलास्टोमर के अंदर आएगा, और वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर को भी हम इलास्टोमर के ही अंदर रखते हैं। उसके बाद फाइबर, फाइबर के अंदर देखो पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर क्या होगा, जिसमें एस्टर लिंकेज होगा। तो पॉलीएस्टर के अंदर जो टेरेलिन आता है जिसे हम लोग डैक्रोन भी बोलते हैं, वो फाइबर्स हैं, वो फाइबर है। उसके बाद पॉलीएमाइड, वो पॉलीमर जिसके अंदर एमाइड लिंकेज होगा उसे हम लोग पॉलीएमाइड बोलेंगे। तो इसके अंदर नाइलोन 6 एंड नाइलोन 6-6 आप ध्यान में रखें, ये भी फाइबर है। उसके बाद केवलर, उसके बाद रेयन, उसके बाद देखो सिल्क हो गया यानी कि रेशम, जो कि रेशम के कीट से प्राप्त होता है। सिल्क यानी कि रेशम, रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम की कीट से प्राप्त होता है। वूल यानी कि ऊन, जो कि भेड़ से प्राप्त होता है, शिप से। कॉटन जो कि कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या है, फाइबर्स हैं, और ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। ये सारे जो है नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये जो सिल्क है ये प्रोटीन फाइबर है, ये भी ध्यान में रखना। वूल ये भी प्रोटीन फाइबर है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें लिपिड भी होता है। और कॉटन ये सेलुलोज फाइबर है। बाकी ये सारे जो है ये आपके यहाँ तक
सिंथेटिक है और रियोन के बारे में आपने देखा ही कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद आ जाओ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीस्टायरीन। देखो स्टायरीन यहाँ लगा हुआ है तो पॉलीस्टायरीन अलग है और पॉलीस्टर अलग है। पॉलीस्टायरीन के अंदर स्टायरीन मोनोमर होता है लेकिन पॉलीस्टर के अंदर क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है। मोनोमर इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन एस्टर लिंकेज होगा। उसके बाद यहाँ देखो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म ध्यान में रखना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग में देखो बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लिप्टल रेजिन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। बेकेलाइट तो बहुत बार पूछा जाता है। तो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं ना उनमें क्रॉस लिंकेज होता है, या फिर बोल दो सीधा कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी होते हैं। तो बेकेलाइट के बारे में आप बोल सकते हो कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और थर्मोसेटिंग है। मेलामाइन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और थर्मोसेटिंग है। तो जो भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उनमें क्रॉस लिंकेज होता है। लेकिन ये जो वल्केनाइज्ड रबर है इनमें भी क्रॉस लिंकेज होता है लेकिन हम इसे इलास्टोमर के ही अंदर डालते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक नहीं है यानी कि इलास्टोमर पॉलीमर नहीं है। तो इलास्टोमर के अंदर आपने क्या देखा कि जो रबर होगा वो इलास्टोमर होगा, चाहे वो सिंथेटिक हो सेमी सिंथेटिक हो। सिस पॉली आइसोप्रीन ये क्या है, इसी को बोलते हैं नेचुरल रबर। नाम याद रखना, नेचुरल रबर का ये रासायनिक नाम है सिस पॉली आइसोप्रीन। उसके बाद पॉलीक्लोरोप्रीन, इसी को हम लोग बोलते हैं नियोप्रीन। ये भी रबर है लेकिन ये सिंथेटिक रबर है, ये नेचुरल है और ये सिंथेटिक है, यानी कि संश्लेषित रबर है, मनुष्य द्वारा बनाया गया रबर है। ब्यूना एस, ये भी सिंथेटिक रबर है। डैक्रोन अभी आपने देखा, डैक्रोन बोल दो या फिर टेरेलिन बोल दो, ये क्या है, फाइबर है, ये है फाइबर पॉलीमर। तो डी हमारा आंसर। निम्न में कौन रेशे फाइबर है, तो अभी आपने देखा नाइलोन 6, पॉलिएस्टर के अंदर डैक्रोन या फिर टेरेलिन, इनमें से सभी। निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ग्लिप्टल, ये सारे थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक नहीं होते, तो बेकेलाइट हमारा आंसर, बाकी ये सारे थर्मोप्लास्टिक हैं। निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इनमें से सभी। अब आ जाओ लास्ट क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो कि है रिएक्शन के आधार पर, रिएक्शन बोल दो या फिर बोल दो पॉलीमराइजेशन के आधार पर। दो तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि योगात्मक बहुलकन और संघनन बहुलकन। तो इनके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन तो उस बहुलक को बोलेंगे एडिशन पॉलीमर, अगर पॉलीमर के बनने में हुआ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो उस बहुलक को बोलेंगे हम कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि संघनन बहुलक। तो एडिशन पॉलीमर में देखो क्या होता है, एडिशन पॉलीमर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में केवल जुड़ते हैं लेकिन बाहर निकलेगा कुछ नहीं, ठीक है, केवल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, हो गया और पॉलीमर बनेगा। जैसे यहाँ देखो एक्राइलोनाइट्राइल संख्या में n है, ये आपस में जुड़ करके पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बहुलक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी बहुत सारे हैं संख्या में, टेरेप्थेलिक एसिड, ये भी बहुत सारे हैं संख्या में, मिल करके बहुलक तो यहाँ भी बन रहा है लेकिन यहाँ पर देखो पानी बाहर निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, एडिशन वाले में क्या होगा ना, सिर्फ मोनोमर्स जुड़ेंगे, बाहर निकलेगा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे निकल रहा है, कंडेंसेशन में निकलता है। तो ये अंतर होता है एडिशन एंड कंडेंसेशन में, एक अंतर ये होता है कि इनमें केवल मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, इनमें मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं लेकिन कुछ अणु का ह्रास भी हो जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा पॉलीमर है जिसके बनने में कुछ छोटे अणु का, सरल अणु का ह्रास हो जाता है, तो आंसर होगा, तो विकल्प में देखना, एक आपको संघनन पॉलीमर दिख जाएगा। ऐसे देखो जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो सामान्यतः एक ही प्रकार के एकलक से बने होते हैं, यानी इनमें एक ही प्रकार का एकलक भाग लेता है, मतलब एक ही प्रकार का मोनोमर होता है। मैंने आपसे क्या कहा, आपको जो भी पढ़ना है पॉलीमर उसमें सारे मोनोमर्स या तो एक ही टाइप के होंगे या फिर दो टाइप्स के होंगे। तो अगर एक ही टाइप के हैं तो वो एडिशन पॉलीमर हो जाएगा, इसका ज़्यादा चांस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सामान्यतः लिखा हुआ है। सामान्यतः जो एडिशन पॉलीमर होगा, योगात्मक बहुलक होगा,
उसमें एकलक एक ही प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे कि ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, ये एडिशन पॉलीमर्स हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखना दो प्रकार के एकलक होते हैं। तो बस ये दो ही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि योगात्मक बहुलक के अंदर दो प्रकार के मोनोमर्स इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो भी है आपको पढ़ने, उनमें सारे एक ही प्रकार के हैं। हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में एग्जाम्पल्स भी। उसके बाद देखिए, योगात्मक बहुलक के अंदर जो एकलक भाग लेता है ना, उसके अंदर ये अनिवार्य है कि कम से कम एक डबल बाउंड हो। यहाँ पर लिख लेना असंतृप्त, संतृप्त नहीं होगा। तो असंतृप्त एकलक का होना अनिवार्य है। मतलब क्या हुआ, एक डबल बाउंड का होना अनिवार्य है। जो भी मोनोमर होगा ना, उसमें एक डबल बाउंड का होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ देखो आप, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये योगात्मक बहुलक है, ये बना है मोनोमर एक्राइलोनाइट्राइल से, और इसके संरचना में देखो आप, यहाँ पर डबल बाउंड दिख रहा है। तो ये चीज़ होना अनिवार्य है, क्योंकि योगात्मक बहुलक में क्या होता है ना कि जो डबल बाउंड होता है वही टूटता है, जो डबल बाउंड होता है वही टूटता है। तो डबल बाउंड का होना जरूरी है, अनिवार्य है। योगात्मक बहुलक का एक और नाम है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, एडिशन, माफ करना, चैन ग्रोथ पॉलीमर। इसे चैन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है, चैन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। ये था एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन में देखो और क्या होता है। जैसे आपने देखा कि योगात्मक के अंदर एक ही प्रकार के सामान्यतः एकलक भाग लेते हैं, यहां पर जो पॉलीमर बनता है उसमें दो प्रकार के भाग लेते हैं, एक प्रकार के नहीं, एक से अधिक प्रकार के, और आपको यहाँ पर दो ही प्रकार के मिलने वाले हैं। तो आप सीधा याद रखो, दो प्रकार के एकलक भाग लेते हैं। तो संघनन में जो एकलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल आप याद रखना जिसमें एक ही प्रकार का एकलक होता है, वो है नाइलोन 6। जो नाइलोन 6 होता है ना, ये संघनन बहुलक है, लेकिन एक ही प्रकार का इसमें एकलक होता है, वो है कैप्रोलैक्टम। अब इसमें जो एकलक भाग लेता है ना, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। मतलब हर एक एकलक के पास दो एक्टिव, या फिर सीधा याद रखो दो क्रियात्मक समूह होना अनिवार्य है। समझ में आया, संघनन बहुलक में दो एकलक भाग लेते हैं और दोनों के पास दो दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो आप, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल आपको याद है एंटी फ्रीज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये है CH2OH, दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, एक एकलक ये हो गया। दूसरा ये टेरेपथैलिक एसिड, टेरेपथैलिक एसिड क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस पर लगा दो COH, एक COH यहाँ लगेगा, एक COH इसके ठीक विपरीत यहाँ लगेगा, ठीक है, तभी टेरेपथैलिक एसिड कहलाएगा। तो यहाँ भी देखो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये है, और दोनों के पास दो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये होना चाहिए संघनन बहुलक के लिए। और इसका भी एक और नाम है पदशव वृद्धि बहुलक, यानी कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब देखो एग्जाम्पल्स, योगात्मक बहुलक का एग्जाम्पल देखो ये सारे हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, PVC, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसी को टैक्रोन बोलेंगे, एक्रिलन बोलेंगे, टेफ्लोन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। इसमें जो ब्यूना एन ब्यूना एस है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये क्या है, कोपॉलीमर्स है, यानी कि दो तरह के इसमें एकलक भाग लेते हैं, और बाकी ये सारे क्या है, होमोपॉलीमर्स हैं। जो योगात्मक बहुलक होता है वो क्या होता है, योगात्मक बहुलक के अंदर एक ही प्रकार के एकलक होते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो है होमोपॉलीमर्स के हैं। कुछ होते हैं जिनमें दो प्रकार के होते हैं, तो ये दो है कोपॉलीमर्स। संघनन में आपने देखा कि सामान्यतः दो प्रकार के एकलक भाग लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर एग्जाम्पल्स इसके अंदर कोपॉलीमर्स के हैं, नाइलोन 6, टेरेलिन या फिर डैक्रोन, सॉरी यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है, डैक्रोन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर ऑर्लन होगा, ऑर्लन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर ऑर्लन या फिर एक्रिलिन। टेरेलिन को हम लोग डैक्रोन बोलते हैं, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, मेलामाइन। और होमोपॉलीमर कौन जाएगा कंडेंसेशन के अंदर, नाइलोन 6। तो फाइनली जितने भी क्लासिफिकेशन थे और उनके अंदर जो टाइप्स थे, उनके अंदर जो एग्जांपल्स थे, मैंने आपको बता दिया। यही सारे हैं जो आपको रटने हैं, ठीक है, यही सारे हैं जो चार आधार मैंने बताए हैं उनके अनुसार जो प्रकार हैं उनमें जो एग्जांपल्स हैं, यही सारे हैं जो आपको रटने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो समझो चैप्टर आपके पकड़ में है, वरना आपसे सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा। अब आते हैं सवालों पर। निम्न में कौन योगात्मक सहबहुलक है, मतलब एडिशन पॉलीमर के अंदर को पॉलीमर होना चाहिए, तो ब्यूना एस ब्यूना एन आपने देखा। निम्न में कौन संघनन समबहुलक है, जो संघनन बहुलक होता है वो होता है ज्यादातर सहबहुलक, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपसे कहा नाइलोन 6 जो कि होता है समबहुलक। निम्न में से किसमें एमाइड लिंकेज उपस्थित है, एमाइड लिंकेज,
एमाइड लिंकेज जिस पॉलीमर में उपस्थित होता है उसे हम लोग पॉली एमाइड बोल देते हैं। और पॉली एमाइड के अंदर आपने देखा नाइलोन जो होते हैं दोनों, नाइलोन 6 एंड नाइलोन 6-6, ये दोनों आते हैं। तो ए हमारा आंसर। और उसके बाद मैंने आपसे कहा एस्टर लिंकेज जिसमें होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉली एस्टर। तो उसके अंदर आपने एग्जाम्पल देखा एक ग्लिप्टल का और दूसरा डेक्रॉन का। तो ये है दोनों जिसके अंदर कौन से लिंकेज है, एस्टर लिंकेज। ठीक है, एस्टर लिंकेज। डैश बहुलकन में सामान्यतः एक ही प्रकार के एकलक परस्पर योग से बहुलक का निर्माण करते हैं और किसी सरल अणु का हास भी नहीं होता है। तो ये किसके लिए था कि एक ही प्रकार का सामान्यतः एकलक भाग लेगा और किसी भी सरल अणु का हास नहीं होगा। ये था योगात्मक बहुलक, या इसी को बोलेंगे योगज बहुलक। निम्न में कौन सम बहुलक है, होमोपोलीमर है सम बहुलक, एक ही प्रकार का इसमें मोनोमर होगा। तो यहां देखो आप पॉलीथीन बहुलक है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, केवल एथीन है, केवल एथीन है, यानी कि सीसी डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी क्या है, एक बहुलक है और इसका मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। जिसमें भी पॉली लगा होता है उसमें से पॉली हटा दो, जो बचेगा वही उसका मोनोमर यूनिट कहलाएगा। तो पॉलीथीन में से पॉली हटाया तो एथीन बचा, तो एथीन इसका मोनोमर यूनिट हो गया, एक ही प्रकार का है मोनोमर, तो ये सम बहुलक है। पॉली विनाइल क्लोराइड, यहां से पॉली हटाओगे तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, तो केवल विनाइल क्लोराइड इसमें मोनोमर यूनिट्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम बहुलक हो जाएगा। टेफ्लोन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, ये टेफ्लोन का रासायनिक नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन। तो यहां से आप पॉली हटा दो तो बचेगा टेट्रा फ्लोरोएथीन, टेट्रा फ्लोरोएथीन जो कि होता है सीसी डबल बाउंड, ठीक है, और FF टेट्रा फ्लोरो लिखा है यानी कि चार फ्लोरीन, तो 1, 2, 3, 4, इसी को हम ऐसे लिखते हैं CF2 डबल बाउंड CF2। तो चार फ्लोरीन है टेट्रा फ्लोरो और सीसी डबल बाउंड है मेथ एथ, तो एथीन। तो पोली टेट्रा फ्लोरो एथीन जिसे हम लोग टेफ्लोन बोलते हैं उसमें एक ही प्रकार का मोनोमर है वो है टेट्रा फ्लोरो एथीन, तो सी भी संभावलक है इनमें से सभी। मैं आपको सारे बहुलक का ना मोनोमर यूनिट्स बताता चलूंगा, आपको क्या करना है मोनोमर यूनिट्स किसके कौन है ये ध्यान में रखना है। तो मोनोमर यूनिट्स आप तभी ध्यान में रख पाओगे जब आपको पॉलीमर का नाम याद होगा, अगर वही नहीं याद है तो मोनोमर यूनिट्स आप बता भी नहीं पाओगे। तो यहां मैंने तीन का बताया, पॉलीथीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का और टेफ्लोन का, आगे और भी आएंगे सबका बताऊंगा। निम्न में कौन सम बहुलक नहीं है यानी कि होमोपॉलीमर नहीं है, तो नियोप्रीन, नियोप्रीन का रासायनिक नाम होता है पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, देखो यहां से पॉली हटाओ तो बचेगा क्लोरोप्रीन, तो नियोप्रीन का जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, क्लोरोप्रीन है, एक ही प्रकार का मोनोमर है केवल क्लोरोप्रीन, तो ये संभावलक है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आइसोप्रीन, आइसोप्रीन तो ये पॉलीमर है ही नहीं, ठीक है, आइसोप्रीन तो मोनोमर है, ये क्या है, ये तो मोनोमर है। पॉली आइसोप्रीन ये हमारा बहुलक होता है, आप ऐसे याद रखो सिस पॉली आइसोप्रीन ये हमारा बहुलक है जिसे हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। तो नेचुरल रबर का रासायनिक नाम क्या है, सिस पॉली आइसोप्रीन, इसका मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहां से पॉली हटा दो बचेगा आइसोप्रीन, ठीक है, तो ये जो आइसोप्रीन है ये मोनोमर है नेचुरल रबर का, तो ये तो सम, ये तो बहुलक है ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद है ब्यूना एस, देखिए ब्यूना एस का मोनोमर यूनिट क्या होता है, ब्यूटा 1,3-diene प्लस स्टाइरीन, ये हो गया आपका ब्यूना एस। एक आपने देखा था ब्यूना एन, इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा ब्यूटा 1,3-diene प्लस इसमें हो जाता है एक्राइलो नाइट्राइल। ब्यूटा 1,3-diene अगर आपको नहीं भी याद है तो सिंपली आप याद रखो ब्यूटा डाइन, ठीक है, ब्यूटा डाइन प्लस स्टाइरीन ब्यूना एस, ब्यूटा डाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूना एन, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन भी सिंथेटिक रबर है। तो यहां देखो ब्यूना एस में दो तरह के मोनोमर यूनिट्स हैं, तो ये हमारा संभावलक नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पॉलीस्टाइरीन,
यहाँ से पोली हटा दो तो बचेगा स्टाइरिन, या स्टाइरिन होगा, स्टाइरिन होता है ये, ठीक है, ये स्टाइरिन है। तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के बनता है पोलीस्टाइरिन। तो एक ही प्रकार का यहाँ पर मोनोमर है स्टाइरिन, तो ये भी हमारा संभवलक हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। निम्न में कौन एक सहबहुलक का उदाहरण है, निम्न में कौन एक सहबहुलक यानी कि कोपॉलीमर का उदाहरण है, ब्यूना एस ब्यूना एन, क्या है, युगात्मक बहुलक है और सहबहुलक है। अभी आपने देखा ब्यूना एन, ब्यूटा 13 डाइईन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल का ये पॉलीमर है, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, यहां से पोली हटाओ एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा, ये सहबहुलक है, और पोली एक्राइलोनाइट्राइल को ही हम लोग ऑर्लन बोलते हैं, एक्रिलिन बोलते हैं, ये हमारा आंसर। ये तीनों एक ही चीज है। पॉलीथीन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, पॉलीथीन के बारे में बताना है कि सत्य कथन नहीं है। पॉलीथीन आपने दो प्रकार के देखे हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एलडीपी में क्या था, ब्रांच्ड, मतलब ब्रांच्ड पॉलीमर है ये, और एचडीपी क्या है, लीनियर पॉलीमर है। तो यहां पर ये नहीं लिखा है कि एलडीपी है या एचडीपी है, सिंपली दोनों को मिलाकर के पूछा है कि पॉलीथीन के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है। तो इसमें रैखिक या कम शाखाओं की लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं, तो ठीक है, एलडीपी में शाखाएं होती है और एचडीपी में नहीं होती है, रैखिक होती है, तो ये सही है। इसे बार बार गर्म करके मुलायम और ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है, ये भी सही है। जो पॉलीथीन है ना, आपने देखा था कि जो पॉलीथीन है ये थर्मोप्लास्टिक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, यह ताप सुदृढ़ यानी कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीथीन आपने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक है, तो जो भी थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं ना, उसे आप बार बार गर्म करके मुलायम कर सकते हो और ठंडा करके कठोर बना सकते हो, और ऐसा आप बार बार कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से बार बार उसको यूज कर सकते हो कि गर्म करो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करो कठोर हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग के साथ आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। जो थर्मोसेटिंग आपने देखा, बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लिप्टल, इन सब के साथ आप ये नहीं कर पाओगे, इसको आप गर्म करके मुलायम कर ही नहीं सकते हो। ज़्यादा हीट दोगे तो ये पूरा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसके साथ आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे कि गर्म करके मुलायम और ठंडा करके कठोर। तो ये अंतर ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह संघनन बहुलक है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीथीन जो है ये संघनन नहीं है, ये है योगात्मक बहुलक। अल्प घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन के संदर्भ में सत्य कथन चुने। लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच्ड है, तो इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखला शाखित होती है, तो सही है। जो एलडीपी है यह अक्रिय कठोर लेकिन लचीली होती है, यह अक्रिय कठोर और लचीली होती है, तो ये सही है। देखिए एलडीपी और एचडीपी में अंतर क्या है, एलडीपी ब्रांच्ड है और एचडीपी लीनियर है। उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों ही अक्रिय होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, दोनों ही कठोर होते हैं, लेकिन जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये लचीली होती है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये होती है दृढ़। यह कठोर का मतलब है कि ये टफ है, लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल है, और यहाँ दृढ़ का मतलब हार्ड है, तो ये अंतर होता है। एलडीपी फ्लेक्सिबल होती है, टफ एंड फ्लेक्सिबल, एचडीपी टफ एंड हार्ड, और दोनों एलडीपी एचडीपी पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर है, तो इनमें से सभी सही है। अल्प घनत्व पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो कि फ्लेक्सिबल होती है, तो इसका इस्तेमाल होता है स्क्वीज बोतल में, जिसको आप स्क्वीज कर सकते हो, जैसे कि ये दबा करके अंदर का मटेरियल बाहर निकालोगे, तो निष्पीड़न बोतल यानी कि स्क्वीज बोतल और लचीले पाइप के निर्माण में, तो ये सही है। और बाकी ये सारे जो है कि बोतल और पाइप के निर्माण में, बाल्टियों के निर्माण में, कूड़ादान के निर्माण में, इसमें इस्तेमाल होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है, तो ये शाखित शाखित तो काट दो, अशाखित होती है यानी कि रैखिक होती है, तो अशाखित होती है, और मैंने आपसे कहा चाहे लीनियर, चाहे एलडीपी हो चाहे एचडीपी हो, दोनों अक्रिय होते हैं, दोनों कठोर होते हैं, लेकिन जो एलडीपी है वो लचीली होती है और जो एचडीपी है ये हार्ड होती है, दृढ़ होती है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी अशाखित है, कठोर है, दृढ़ है, लेकिन यहाँ क्रियाशील है यानी कि केमिकल रिएक्शन ये पॉलीथीन कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केमिकली इनर्ट होती है, इसलिए सी आंसर।
टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया CF2 डबल बाउंड CF2, ये मोनोमर यूनिट है किसका, टेफ्लोन का। टेफ्लोन का रासायनिक नाम पोली टेट्राफ्लोरोएथीन। ब्यूना एस का मैं बता चुका हूँ, ब्यूना एन का भी मोनोमर यूनिट मैं बता चुका हूँ। ब्यूना एस का ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, नियोप्रीन को हम लोग पोलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं और क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर यूनिट है। तो मोनोमर यूनिट मैं बताते चल रहा हूँ, आप इन सबको याद रखना। सी हमारा यहाँ पर आंसर। अब इस सवाल का जवाब, रैखिक बहुलक है, कौन है इसमें लीनियर पॉलीमर? तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या है ये ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है। सेलुलोज ये लीनियर पॉलीमर है, ये हमारा आंसर। सेलुलोज ये लीनियर पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है और लीनियर है। स्टार्च नेचुरल है, ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन नेचुरल है, ब्रांच्ड है। LDPE सिंथेटिक पॉलीमर है और ये ब्रांच्ड है। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। तो जितने भी पॉलीमर्स के मैंने नाम बताए उनका नाम आप अच्छे से रट लेना, उनके टाइप्स रट लेना, ठीक है, तब जाकर के पार्ट टू में और पार्ट थ्री में आपको मजा आएगा। और वो भी पार्ट टू पार्ट थ्री तभी अपलोड होगा ना जब आप लाइक करोगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक मार सकते हो, बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है। थैंक यू सो मच।